हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि चारपिट मेथड से रिलेटेड है, और इस पर बेस्ड मैंने कई क्वेश्चन बना रखे हैं जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, उनको भी आ जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहती है, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन बोलना कंप्लीट इंटीग्रल, तो आप सोच लेना वहाँ पर चारपिट मेथड ही अप्लाई हो रहा है। और चारपिट मेथड कब, क्यों, कैसे अप्लाइड होता है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको ज़रूर देखना आप। तो किसका निकालना है, जेड स्क्वायर पी स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू वन है, इसका हमें कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। तो सॉल्यूशन में जस्ट फर्स्ट होता है, क्या करना होता है, फंक्शन मानना होता है ये चीज़ को, जो भी लेफ्ट और राइट में उसको लेफ्ट में लाना होता है, इक्वल टू जीरो ला देना है। ये इक्वेशन नंबर वन हो गया। फिर हमें एक इक्वेशन याद रखनी है, इसी के अगर ये आप याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन आपका हिलेगा भी नहीं। तो क्या करना है, आपको याद रखना है चारपिट सब्सिडरी इक्वेशन, वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन माइनस फंक्शन पी, एफ पी का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, फिर डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, फिर डी जेड अपॉन माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू इक्वल टू डी पी अपॉन फंक्शन एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू वाई जेड, ये चीज़ें हैं। अब डेरिवेटिव करना तो बहुत आसान है, आपको पता ही होगा कैसे करते हैं डेरिवेटिव। ये फंक्शन है, माइनस लग जाएगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू पी, कर देंगे आप तो हमें क्या मिल जाएगा, पी का डेरिवेटिव होगा टू पी और जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर जेड की पावर फोर, ऐसे ही सारे डेरिवेटिव करके इस फॉर्मूले में रख दिया हमने, तो हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, आपको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो P वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है हमें dP और ये dQ, तो इन दोनों को हम आपस में इक्वल देंगे। तो देखिए नीचे से क्या होगा, ये वाले टर्म आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा dP अपॉन B इजिकल्स टू dQ अपॉन Q। इंटीग्रेशन कर देंगे, log P बराबर आ जाएगा log log Q, और दोनों ही log में है तो इंटीग्रल कांस्टेंट में हम जोड़ देंगे log में log A, तो P बराबर हो जाएगा हमारा ए क्यू, क्योंकि log एम प्लस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम इन टू एन, लॉग से लॉग हट जाएगा, पी बराबर ए क्यू, तो पी की वैल्यू ए क्यू मिल गई है। अब ये जो पी की वैल्यू हमें मिली है उसे हमें गिवन क्वेश्चन में रख देना है, यहाँ पर पी की वैल्यू हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्यू की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन जेड रूट के अंदर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन। अब ये तो क्यू की वैल्यू आई है, और पी की वैल्यू हमारा मिला था ए क्यू के टर्म में, तो सेपरेट वैल्यू होनी चाहिए पी, नहीं वो एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। तो क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू उठाकर यहाँ रख देंगे, तो पी की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। अब हमें हमारा जो टारगेट था कि हमें पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, वो हमें मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या होता है, डी जेड, वो होता है पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इस स्टेप में आपको आपका सोल्यूशन में मिल जाता है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना है, पी की वैल्यू और Q की वैल्यू रख देनी है जो कि हमें पता है, और हम ये मैंने रख दिया है P की और Q की वैल्यू, और थोड़ा सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया ए डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन जेड रूट के अंदर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि दोनों में एलसीएम सेम था तो ऊपर ऐड हो गए। अब हमने तिरछी गुणा कर दी, तिरछी गुणा करने के बाद हमने इंटीग्रेशन भी कर लिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ए डी एक्स का एक्स आ जाएगा, डी वाई का वाई आ जाएगा, और इधर मैंने बी जोड़ा है, बी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक, और इधर मैंने इंटीग्रेशन कर दिया जेड रूट ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन डी जेड। अब इस वाले टर्म का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाला तो हो चुका है सॉल्व, अब बस राइट वाला ही करना है। तो इसको मैंने ए स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वन को यू स्क्वायर माना है, डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर को हो जाएगा टू जेड डी जेड, और यहाँ से हो जाएगा टू यू डी यू, टू से टू कैंसिल। अब रिस्पेक्टिव वैल्यूज जो है z की डी z की ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इसके जगह पर क्या जाएगा u स्क्वायर से बाहर u आ जाएगा, और ए स्क्वायर जेड डी जेड की जगह पर रख देंगे हम u डी यू, तो यहाँ से हो जाएगा u स्क्वायर डी यू, और u स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा u क्यूब अपॉन थ्री, ठीक। फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, जो u की वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा।